ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଆୟେଶାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଧିକ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ପରେ ବି ତାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ପଛଉନି। ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମ ଭଳି ଅମଣିଷ କେବେ ବୁଝି ପାରିବେନି। ଥରେ ଭାବ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଯିଏ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ରକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚିଛି। କେତେ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିବେ ସେଭଳି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନଦାନ କରିଦେବେ ସେଭଳି ନାପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁରୁଷ କୁହାଯିବ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବୋହୂ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଅମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯିଏ ନିଜ ବୋହୂକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ? କାରଣ ତମ ବୋହୂ ଆଉ କାହାର ଝିଅ? କ'ଣ ମିଳିବ ତମକୁ ପର ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରି? तुम सुवर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहेज को, क्या लेके जाओगे खबर में? हैदराबाद की दखन की तारीख भरी पड़ी है। महिलाएं हैं बादशाहों के, उनके मकबरे पर आज फूल डालने वाला कोई नहीं है। क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? जुल्म करे उस बच्ची पर तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों के लिए कह रहा हूं बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देती अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस के जिम्मेदारों की, मजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे महल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं तुम कभी, तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना। ଆଜି ଆୟେଶା ତ ନିଜ ମନର କଷ୍ଟ ବେଦନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ହସି ହସି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଥିବା ସେହି ଆୟେଶାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କେବେ ବି ଆୟେଶା ଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେଭଳି ଅମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କୌଣସି ଝିଅ କେବେ ନ ଡରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ, अन्यों को डरी निज जीवन न हारी। तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप तकलीफ में, तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहेज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो। मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है। औरतों का साथ देना है, औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो, औरतों का साथ दो, इनको हमको माशरे में आगे बढ़ाना है। तमे बंचिले तम माँ बापा बंचिबे, तम जीवन बहुत मूल्यवान। लातमारी से भली नापुरुष स्वामी को जे तम उपरे हात उठाउची, जे तुम उपरे अत्याचार करुची, जे तुमको निर्यातित करुची, आ जे तुमको जौतुक मागुची, दरकार नाही से भली स्वामी सह रहिबा। आगको बढ़ी आईन रो सहायता निय, आउ दोषी को कठोर रु कठोर दंड दिया।